हेलो गाइस, तो क्रिप्टो फायर के एक और नए फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले सॉरी फॉर द डिले। देखिए, मैं लंबे टाइम से वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ सम रीजंस की वजह से। कुछ कारण बस मैं अभी रेगुलर बेसिस पे अवेलेबल नहीं हूँ, लेकिन चलिए जो भी होगा मैं आपको अपने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा। बहुत दिन से मैंने वहाँ भी अपडेट नहीं किया, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं लिया जाता है यहाँ पे। और बाकी तो चलिए हम लोग सेलो यूएसडीटी के बारे में जानते हैं। तो देखिए, इसमें एक दो दिन पहले से इन्फॉर्मेशन आ रही थी, और इन्फॉर्मेशन आने का मतलब है आपको टेक्निकल चार्ट एनालिसिस पे कुछ अच्छा दिख रहा था, बट यहाँ पे एक एंट्री नहीं बन रही थी प्रॉपर एंट्री। और जहाँ पे एंट्री बनी, देखिए वहाँ पे आपको मैं बताता हूँ सिंपल। देखिए, डेली टाइम फ्रेम पे लॉन्ग टाइम फ्रेम पे व्यू बनाना है, शॉर्ट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है, एक सिंपल फंडा आपके दिमाग में होना चाहिए। अब बाकी जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे यार, देखिए एंट्री कैसे नहीं मिलते, कौन कहते यार, कप एंड हैंडल पैटर्न मैंने कभी आपको अपने इंस्टा पे शेयर किया था, एक बार आप उस जरूर से आके देखिए। यहाँ पे देखिए कौन सा पैटर्न बन रहा है, सिंपल सा देखिए यार, कप एंड हैंडल एक लो फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसा नहीं है पूरा नहीं बन रहा है। यहाँ पे देखिए, अभी मैं यहाँ से ड्रॉ कर सकता हूँ, लेकिन आप सिंपल से यहाँ पे देखिए कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे एक हैंडल भी बना, और हैंडल का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, देखिए हाँ, एक बार हमेशा याद रखिए, हर एक व्यू पे आपको फुल कंफर्मेशन नहीं मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पे व्यू अच्छा खासा, लगभग 10% 15% दिया, अगेन से वहां से डाउन हो गया। तो देखिए, एक कुछ कुछ को ट्रेड को आपको एसएल भी लेना पड़ेगा, इग्नोर भी करना पड़ेगा। तो बाकी आपको एक चीज मैं दिखा देना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे जो एंट्री का बात आएगा, जब तक हम लोग इस जगह थे, यहाँ पे देखिए एक एंट्री हमारा इसके ऊपर सस्टेन करने के बाद बनता, और यहाँ से मार्केट को अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे प्राइस सस्टेन हुआ है नहीं, देखिए क्लोजिंग इसके ऊपर दी, एक एंट्री हमारी बन रही थी, ठीक है, एक एंट्री हमारी बनी, इसके ऊपर एंट्री बनी, बट यहाँ पे जैसे ही इसे ब्रेक किया, ये नीचे आया, हमारा एसएल बच गया, इस जगह आराम से एसएल बच गया, बाहर निकल गया। आपको रुकना नहीं है, क्या पता मार्केट यहाँ से यहाँ भी आ जाए, तब एसएल लगे तो मार्केट से बाहर होना चाहिए आपको। तो बाकी देखिए, अभी इसमें कोई मोमेंट खास नहीं बन रही है, मोमेंट हमारा तभी बनेगा जब इसके ऊपर सर्वाइव करेगा, यानी कि 0.777 के ऊपर डॉलर में प्राइस है, इसके ऊपर सर्वाइव करेगा तभी जाके हमारी एक एंट्री बनेगी। चलो, यूएसडीटी का डाउट क्लियर हो गया। तो चलिए, डोजी कॉइन के बारे में मेनली हम लोग आज बात करने वाले थे। तो सबसे पहले हम लोग डोजी कॉइन के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या अभी मूवमेंट बन रही है, अच्छा खासा अपसाइड की मूवमेंट आपको देखने को इसमें मिल रही है। तो सबसे पहले जानेंगे कि डोजी कॉइन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और देखिए कुछ न्यूज आ रही है एलोन मस्क की न्यूज की वजह से, या कोई आप ट्विटर पे न्यूज देखेंगे उसके वजह से अगर पंप आ रहा है तो आपको बिल्कुल नहीं फंसना है, वो झोल होगा आपके लिए और आपके पैसे गवेंगे वहां पर। तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान में क्या रखना है, इस बात को आप जरूर से टारगेट कीजिएगा। यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखिए हमारा लेवल बना हुआ है। अब बाकी मैं आपको लेवल अपने टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ, आप वहां जरूर से ज्वाइन करके उसका फायदा उठा सकते हैं आप लोग। यहाँ पे एक बात देख रहे हैं, देखिए हमारा एंट्री, देखिए ये ठीक है, मार्केट यार अपसाइड की कैंडल बनी, ऊपर गया नीचे आ गया, तो क्या फायदा क्या हुआ यहाँ पे। यहाँ पे ये जबरदस्त एंट्री नहीं होते, ये फंसते हैं यहाँ पे, नए नए रिटेलर फंसते हैं। आपको देखिए टारगेट जब भी करना है फिक्स प्राइस पे, आपको कम रिस्क लेना है अभी फिलहाल अगर आप नए हैं तो। पुराने हैं तो फिर आपके आपका माहौल बन जाता है, आपका डिपेंडेंट होता है कि कितना लॉस आप अचीव कर सकते हैं, कितना प्रॉफिट। तो यहाँ से आपका एक एंट्री प्रॉपर एंट्री बनेगी आपको, जो कि 0.09952 डॉलर के आसपास है। यहाँ से अगर आप एक अच्छी खासी एंट्री बनाते हैं तो देन जाके देखिए टारगेट आपको बड़ा नहीं मिलेगा यहाँ पे। ये देखिए इसी जगह से फिर से रेसिस्टेंस लेके मार्केट नीचे है। मैं एक सेकेंड, एक लाइन, ये जो आपको लाइन दिख रही है यहाँ पे, आप कर्सर को फॉलो कीजिए जो ब्लिंक कर रहा है, ये हमारा एक लाइन है। ये देखिए ये रेसिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है, मार्केट यहीं से अगेन से नीचे। देखिए मार्केट आप जब तक इसके ऊपर पे सस्टेन नहीं करता, हम लोग एंट्री नहीं बनेंगे। अगर इसके ऊपर सस्टेन किया तो मस्त हम लोग को ये टारगेट देखने को मिलेगा। तो डोजी कॉइन में आपका डाउट क्लियर हो गया। न्यूज पे तो देखिए मार्केट ऊपर जा ही रहा है, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ आपको न्यूज पे फोकस करना। तो चलिए वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं। देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे भी लगभग हमारा उसी जगह के आसपास क्या बन रहा है, एक नई एंट्री का आशा दिख रहा है इसके ऊपर। बाकी अगर आप यहाँ पे लेते हैं तो एक एंट्री बनेगी आपकी 0.011426 के आसपास, नोट करके रख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाते हैं तो लंबा टारगेट नहीं मिलेगा, बस छोटा सा टारगेट आपको निकलना पड़ेगा जो कि 0.15, यानी कि लगभग 10-15% जब ये वीकली टाइम फ्रेम पे। बाकी आप खुद होशियार हैं, आपको ध्यान में रखना होगा कि कहाँ आपकी एंट्री बनेगी, कहाँ आपका एसएल, एसएल को जरूर से ध्यान में रखें। अगर यहाँ पे टूटा, ये टूटा 0.06927, आपको तुरंत एग्जिट करना, पोजीशन को रोक के नहीं रखना। आई होप दोस्तों डाउट क्लियर होगा। देखिए मैं फिर से माफी चाहता हूँ, लंबे टाइम तक जो है मैं अवेलेबल नहीं हो पाया, बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं कि उसकी वजह से आप अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मैं आपको लेटेस्ट अपडेट देता रहूंगा फ्री होके। तो फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर, मीट अगेन नेक्स्ट वीडियो, बाय।